नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। कपिल सिब्बल, जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता, राज्यसभा सांसद, अब न जाने क्यों वो सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों पे बहुत नाराज हैं, बहुत खफा हैं। उन्होंने कुछ तंज भी कसे हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों को लेकर के, और नाराजगी भी जताई है। मतलब नाराजगी तो इतनी कि उन्होंने कहा है कि उन्हें कोर्ट से अब कोई उम्मीद नहीं है। अगर आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलेगी तो आप गलत हैं। यानी कि उन्होंने अपना जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के लिए दे दिया है कि किसी को सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है, अगर आप विश्वास करते हैं तो गलत है। उन्होंने कहा कि वो ये बात सुप्रीम कोर्ट में 50 साल का अनुभव पूरा करने के बाद कह रहे हैं, और ये बयान उन्होंने पीपल्स ट्रिब्यूनल में दिया। उन्होंने कहा कि मतलब वो काफी खफा है, उनके अंदर की जो भड़ास है वो निकालने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म मिला, तो फिर वो शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि भले ही कोर्ट कोई भी ऐतिहासिक फैसला सुना दे, लेकिन इससे जमीनी हकीकत शायद कभी बदलती हो। इस साल मुझे सुप्रीम कोर्ट के अभ्यास के 5 साल पूरे हो रहे हैं, यानी कि 50 साल, सॉरी 50 साल पूरे कर चुके हैं वो। इसके बावजूद उन्हें कोई भरोसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट के दिए गए प्रगतिशील निर्णयों के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर होता है उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने निजता पर फैसला दिया, दूसरी तरफ ईडी के अधिकार अधिकारी आपके घर आ गए। आपकी निजता कहाँ है? शायद से इन दिनों जो ईडी नेहरू और गांधी परिवार पे जांच कर रहे हैं, आई मीन सोनिया गांधी, राहुल गांधी से जो उन्होंने पिछले दिनों बातचीत की है, उसके बाद जो उन्होंने यंग इंडिया का ऑफिस सील किया है, उन सब मामलों को वही देख रहे थे कोर्ट में भी। और वहाँ पे जब उनकी नहीं चली तो उन्होंने ये कहा कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने निजता पर फैसला दिया है, तो जिस तरफ ईडी के अधिकारी आपके घर आ गए, तो आपकी निजता कहाँ बची? ये इन्होंने उसी के रेफरेंस में ये बात कही। और सिब्बल ने ये भी कहा कि 2002 के गुजरात दंगों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य लोगों पे एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी, लेकिन इसे लेकर के कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसी मैटर को उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। बहुत खफा है वो, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और अगर उन्हें लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं सॉफ्ट प्रेस बरत रहा है बीजेपी के खिलाफ, तो ये भी उनको एक तरह से जज्ब करना मुश्किल हो रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों को कायम रखना जो ईडी का एक बड़ा अधिकार देता है, ईडी को एक बड़ा अधिकार देता है। और 2009 में छत्तीसगढ़ के नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों ने 17 आदिवासियों को मार दिया था। इस घटना की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। ये सभी फैसले जस्टिस एम.एम. खानविलकर की अध्यक्षता में लिए गए थे, जो अभी रिटायर हो चुके हैं। सिब्बल जाके जाफरी और पीएमएलए अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए थे। और सिब्बल ने अपनी, जब उन्होंने अंदर की बातें बाहर लाई सुप्रीम कोर्ट के प्रति जो वो फील करते हैं, तो उन्होंने कहा कि संवेदनशील मामले केवल चुनिंदा जजों को ही सौंपे जाते हैं। इसके चलते कानून को आमतौर पर पहले से पता होता है कि फैसले का परिणाम क्या होगा।
वो कहते हैं कि मैं ऐसी अदालत के बारे में बात करना नहीं चाहता जहां मैंने 50 साल तक अभ्यास किया, लेकिन अब बोलने का वक्त आ गया है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन आवाज उठाएगा? सिब्बल ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोर्ट में जो जज बिठाए जाते हैं केवल समझौते की प्रक्रिया होती है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ यह तय करने की सुप्रीम कोर्ट में यह तय करने की कोई व्यवस्था नहीं है कि किस मामले की अध्यक्षता किस बेंच द्वारा की जाएगी। जहाँ भारत के चीफ जस्टिस ये तय करें कि किस मामले को कौन सी बेंच कब निपटाएगी, कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते। लोग अपनी मानसिकता बदलेंगे तो स्थिति बदलेगी, अन्यथा कुछ भी नहीं बदलेगा। भारत में हमारी माई बाप संस्कृति है, मी लॉर्ड, लोग शक्तिशाली के पैरों में गिरते हैं, लेकिन अब समय आ गया है लोग बाहर आएं और अपने अधिकारों की सुरक्षा की मांग करें। स्वतंत्रता तभी संभव है जब हम अपने अधिकारों के लिए खड़े होंगे और उस स्वतंत्रता की मांग करें। उन्होंने कोर्ट में पेंडिंग धर्म संसद मामले का भी जिक्र किया और कहा कि कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और सरकारों से जवाब मांगा और आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, पर गिरफ्तार होने पर भी उन्हें एक दो दिन में जमानत पर रिहा कर दिया गया। फिर दो सप्ताह के बाद संसद की बैठकें जारी हैं। तो ये जो कंटेंट है इसमें मैं ये बताना चाह रही हूँ कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जिनका एक बहुत बड़ा कद है, न जाने कितने फैसले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लड़े हैं, उन्हें याद भी नहीं होगा। और वो खुद कह रहे हैं कि उनका 50 साल का अनुभव है वहाँ काम करने का, जजेस के सामने खड़े होने का, जिरह करने का, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसलों से खफा है, ऐसा उनकी बातों से लग रहा है। और उन्होंने बहुत साफ शब्दों में अपनी बात को कह दिया कि उन्हें कोर्ट से अब कोई उम्मीद नहीं बची है। तो दोस्तों, जो देश की सबसे सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उस पर अगर कोई इतना बड़ा वरिष्ठ एडवोकेट ये बात कह रहा है तो आप क्या कहेंगे? एक आम आदमी क्या कहेगा? क्या सच में सुप्रीम कोर्ट से किसी को न्याय की उम्मीद नहीं है? मैं आपसे पूछती हूँ दोस्तों, आप ज़रूर अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, शेयर करने में और कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जाता। सिर्फ ये जो बंदी आपके साथ रूबरू है, जो आपके लिए हर दिन खबर लाती है, हर दिन आपको कोई ना कोई किस्सा कहानी सुनाती है, एक नए कंटेंट के साथ आपके सामने आती है, इसको अच्छा लगेगा कि आप उसके कंटेंट को पसंद करते हैं। तो राय देना ना भूलें। फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।